महाबली बजरंगी का जन्म चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन हुआ था। उसकी माता का नाम अंजनी और पिता का नाम वानरराज केसरी था, जो सुमेरु पर्वत के राजा थे। बजरंगी को सब पवन पुत्र के नाम से भी जानते हैं। कहा जाता है कि एक बार देवराज इंद्र के दरबार में ऋषि दुर्वासा आए हुए थे। जब देवराज इंद्र और ऋषि की बातचीत चल रही थी, तभी वहां एक अप्सरा बारंबार अंदर से बाहर आती जाती थी। इससे कारण ऋषि दुर्वासा को क्रोध आया और उसने उस अप्सरा को श्राप दिया कि जा, तू बंदरिया बन जाना। उस श्राप को सुनकर अप्सरा ने ऋषि दुर्वासा से माफी मांगी। तब ऋषि ने कहा कि जा, तू बंदरिया के रूप में जन्म तो लेगी, लेकिन तू जब चाहे वो रूप ले सकती है। फिर कुछ समय बाद उस अप्सरा ने वानर विरज के यहाँ एक बंदरिया के रूप में जन्म लिया। तब उसका नाम अंजनी रखा गया। धीरे धीरे सालों बाद अंजनी उम्र लायक हुई, तब उसकी शादी वानरराज केसरी के साथ हुई। उसके बाद ऋषि के आशीर्वाद से अंजनी एक सुंदर स्त्री के रूप में आ गई। अब वानरराज केसरी एक बार घूमते घूमते प्रभास तीर्थ में आए हुए थे। वहां पे काफी सारे साधु और ऋषि मुनि किनारे पर बैठकर पूजा अर्चना कर रहे थे। उसी समय एक विशाल हाथी गजराज वहां पे आया और ऋषि को मारने लगा। ऋषि भारद्वाज आसन पर शांति से बैठे हुए थे, तभी वो दुष्ट हाथी सूंड हिलाते हुए वो ऋषि को मारने आ ही रहा था। ये सब कुछ वानरराज केसरी ने देखा। उसने तुरंत ही अपने बल से हाथी से युद्ध किया और हाथी को मार डाला। इन सब से देख के ऋषि ने प्रसन्न होके केसरी को वरदान मांगने के लिए कहा। तब वानरराज केसरी ने कहा कि हे ऋषिवर, आप मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए कि जो अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण कर सकता है, जो पवन जैसा पराक्रमी हो, रुद्र के समान तेज हो। ये सुनकर भारद्वाज ऋषि ने तथास्तु कहा और वो वहां से चले गए। अब एक बार माता अंजनी पर्वत के शिखर पर जा रही थी, अचानक तेज हवा आई और उनके वस्त्र हवा में उड़ने लगे। उसने आसपास देखा तो झाड़ और पौधे कुछ भी नहीं हल रहा था। तब उसको लगा कि कोई राक्षस अदृश्य तरीके से उसको हैरान परेशान कर रहा है। इसलिए उसने जोर से कहा कि कौन है ये दुष्ट जो मुझ जैसी पतिपरायण स्त्री को अपमानित कर रहा है। तभी अचानक वहां पे पवन देव प्रकट हुए और वो कहने लगे, हे देवी, क्रोध ना करे और मुझे माफ कर दे। आपके पति ने एक ऋषि के पास वरदान मांगा था कि उसको पवन जैसा पराक्रमी पुत्र चाहिए और रुद्र के समान तेज हो। इसी वरदान को पूरा करने के लिए मैंने आपके शरीर को स्पर्श किया है, ताकि मेरा अंश से आपको जो बालक प्राप्त हो वो मेरे जैसा ही पराक्रमी हो और भगवान रुद्र यानी कि भोलेनाथ जो मेरे द्वारा आपके शरीर में प्रवेश किया है, जो आपके पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। इसी तरह वानरराज केसरी के क्षेत्र में भगवान रुद्र ने यानी कि भगवान भोलेनाथ ने स्वयं अवतार धारण किया। एक बार बाल बजरंगी को अपने गोदी में लेकर माता अंजनी उसको स्तनपान करा रही थी, तभी बजरंगी के मुख पर माँ अंजनी के आंसू गिरे। इसलिए बजरंगी ने माँ से कहा कि माँ, आप क्यों रो रही है, मुझसे कोई अपराध हुआ है? तभी माँ अंजनी ने कहा, ना ना, तेरा तो कोई अपराध नहीं है बेटा, लेकिन मुझे श्राप दिया गया है कि जब तेरा बेटा जन्म लेगा और जब भगवान सूर्य नारायण सुबह के पहले पहर के कुछ देर बाद आकाश में चढ़ेंगे, तब तेरे पुत्र की मृत्यु होगी, इसलिए मैं रो रही हूँ। यह सुनकर बाल हनुमान ने कहा, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है माँ, मैं सूर्य नारायण को आकाश में चढ़ने ही नहीं दूंगा। ऐसा कहते ही बाल बजरंगी ने छलांग लगाई और आकाश में उड़ने लगे। उड़ते उड़ते वो सूर्य नारायण के पास पहुंच गए।
भगवान सूर्य नारायण को बाल बजरंगी ने अपने मुख में ले लिया, जिसकी वजह से पूरी धरती पर अंधकार छा गया। यह देखकर देवराज इंद्र ऐरावत पर सवार होकर आए और उसने बजरंगी को अपने वज्र से मारा। इंद्र के वज्रघात से बजरंगी आकाश में से धरती पर गिरने लगे। यह देखकर पवन देव को खूब गुस्सा आया और उसने बाल बजरंगी को अपने हाथ में ले लिया और पहाड़ों की गुफाओं में चले गए, जिसकी वजह से धरती पर अंधकार तो था ही, साथ ही साथ पवन देव गुफा में चले गए इसलिए पवन भी रुक गया। धरती पर सारे जीव की श्वास रुक गई। यह देखकर सभी देव पवन देव के पास पहुंचे और पवन देव से कहने लगे, हे पवन देव, दया करो, अगर आप बाहर नहीं आए तो पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। तभी पवन देव ने कहा, हे देवताओं, आप सभी मेरे पुत्र बजरंगी को आशीर्वाद दो और उसकी रक्षा करो, तभी मैं गुफा में से बाहर आऊंगा। तब सभी देवताओं ने बजरंगी को हनु यानी कि ज्यादा मान दिया और आशीर्वाद दिया। ज्यादा मान मिलने पर उसका नाम हनुमान रख गया। उसके बाद हनुमान जी ने सभी देवताओं को प्रणाम किया। तब देवताओं ने कहा, हे बालक, अब तू भगवान सूर्य नारायण को अपने मुख में से मुक्त कर। तब हनुमान ने कहा कि मैं सूर्य नारायण को मुक्त नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी माता अंजनी को श्राप दिया गया है। तब सभी देवता हंसने लगे और कहने लगे कि तेरी माता को जो श्राप दिया था वो तो सुबह के पहले पोर के कुछ समय बाद होने वाला था, लेकिन अब तो काफी समय निकल गया है, यानी कि अब माता अंजनी श्राप मुक्त हो गई है। यह बात सुनकर बाल बजरंगी ने अपने मुख में से भगवान सूर्य नारायण को आजाद किया और धरती पर फिर से सूर्य प्रकाश छा गया और पवन देव भी उस गुफा में से निकल गए। उसके बाद धीरे धीरे बाल बजरंगी बड़े होते जा रहे थे और जितने वो बड़े होते थे उतने ही वो शरारती भी होने लगे। वो छलांग लगाकर आकाश में उड़ते हुए जो भी ऋषिवर समाधि लगाकर तप करते थे उसको एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पे रख देते थे। फिर भी ऋषिवर गुस्सा नहीं होते थे, क्योंकि बाल बजरंगी अभी छोटे बच्चे थे। लेकिन एक बार जब बात हद से ज्यादा बढ़ गई, तब एक ऋषिवर ने बाल बजरंगी को श्राप दिया कि जा बालक, तू अपनी सारी शक्तियां भूल जाएगा, लेकिन जब सही समय पे जरूरत होगी तब तुझे कोई याद दिलाएगा, तभी तुझे तेरी शक्तियां याद आएगी। इसीलिए हम सब श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। काफी सालों बाद जब माता सीता की शोध के लिए जब लंका में जाना था, तब जामुवान ने हनुमान जी को उनकी सारी शक्तियां याद दिलाने के लिए एक स्तुति की थी, जिसमें बजरंगी के बल का वर्णन किया गया था। यह सुनकर बजरंगबली को अपनी सारी शक्तियां याद आ गई और वो आकाश में उड़कर समुद्र के पार होकर लंका में माँ सीता जी के पास पहुँचे। और तभी से हम वो जो गुणगान गाए थे उसने, जो हनुमान चालीसा के रूप में आया, और आज भी हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। एक बार भगवान भोलेनाथ को धरती पर श्री राम जी की लीला देखने की इच्छा हुई और उसने धरती पर आने की इच्छा व्यक्त की। तब माता पार्वती ने उसे कहा कि हे प्रभु, अगर आप धरती पर चले गए तो फिर मैं यहाँ कैलाश पर्वत पर अकेली क्या करूँगी। तब भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि क्यों न बाल बजरंगी को ही धरती पर श्री राम के पास उनकी सेवा में भेजा जाए, और बजरंगी मेरा ही अंश है, यानी मुझे ही खुशी मिलेगी जब बजरंगी श्री राम की सेवा करेंगे। उसने बजरंगी को बुलाया और उसको एक बंदर यानी कि जो मदारी के पास होता है ऐसा जमुरा बना दिया, और भगवान भोलेनाथ खुद मदारी के रूप में आ गए। फिर एक हाथ में डमरू और अपने खभे पर इस बंदर को बिठाकर भगवान मदारी के रूप में अयोध्या में जहाँ भगवान श्री राम रहते थे वहाँ पर आए और वहाँ
वो डुगडुगी बजाने लगे। मदारी को देखकर सारे नगर के बच्चे वहां पे आ गए। इस बंदर को नाचते हुए देखकर भगवान श्री राम समझ गए कि ये कौन है और यहाँ पे क्यों आए हैं। वो जिद करने लगे और रोने लगे। तभी सारे महल के दास दास माता कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा सब श्री राम को मनाने में लग गए, लेकिन राम तो चुप होने का नाम ही नहीं रह रहे थे। फिर तभी किसी ने दशरथ राजा को ये बात बताई। जब राजा दशरथ यहाँ आए और उसने कहा कि राम तुम्हें क्या चाहिए, तब राम ने कहा कि मुझे वो मदारी के पास जो है वो बंदर चाहिए। ये बात सुनकर महल में सभी लोग हंसने लगे और राजा दशरथ ने कहा कि राम राजमहल में बंदर थोड़ी ना होते हैं। ये बात सुनकर राम फिर से जोर जोर से रोने लगे। फिर राजा दशरथ ने अपने एक सेवक को भेजकर उस बंदर को खरीद लाने के लिए कहा। जब सेवक मदारी के पास आकर सोने मोहर देकर कहने लगा कि हमें ये बंदर चाहिए, तब वो भगवान भोलेनाथ जो कि मदारी के रूप में आए हुए थे, उसने कहा कि अगर ये बंदर राजकुमार श्री राम को चाहिए तो मैं उनके हाथों में ही ये बंदर दूंगा। फिर वो सेवक प्रभु श्री राम को उस मदारी के पास ले आया और उस मदारी ने वो बंदर यानी कि जो हनुमान जी थे उसको श्री राम को सौंप दिया, जिससे प्रभु श्री राम खुश हो गए। फिर कुछ दिनों बीतने के बाद प्रभु श्री राम ने बजरंगी को कहा कि हे बजरंगी, अब आप किष्किंधा पर्वत पर जाकर तप कीजिए, मैं आपसे सालों बाद मिलूंगा। यह बात सुनकर बजरंगी तुरंत छलांग लगाकर किष्किंधा पर्वत पर पहुंच गए और वहां समाधि लगाकर बैठ गए। वो वहां पर श्री राम के गुणगान गाते रहे। फिर सालों बाद जब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण सीता मैया की शोध करते हुए वन वगड़े में घूम रहे थे, तभी वो घूमते घूमते किष्किंधा पर्वत पर पहुंचे, जहां पर उसको फिर से हनुमान जी का बेटा हुआ। वहां पर फिर से प्रभु श्री राम और हनुमान जी का मिलन हुआ। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय।